अगर मैं अपनी आंखें बंद करके यहां बैठूं और कोई इस हॉल में आए तो मैं बता दूंगा कि किस तरह का व्यक्ति आया है। आप देखेंगे कि जब आप इस तरह बैठते हैं तो आपका दिमाग बेहतर काम करेगा। सच में अगर आप मानव शरीर को भीतर से जानते हैं, आप खुद इस पर गौर कीजिए। देखिए कि जब आपके पेट में खाना होता है तो आपका शरीर कैसा महसूस करता है और जब पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप पाएंगे कि आपका शरीर और दिमाग सबसे अच्छी तरह तब काम करते हैं जब आपका पेट खाली होता है। अगर लगातार आपके पाचन तंत्र में खाना पचता रहता है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की कुछ मात्रा उसमें लगी रहेगी, तो आपका दिमाग और शरीर दोनों ही अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर और उसके मेटाबॉलिज्म को इस तरह रखना होगा कि जो भी आप खाएं, चाहे जो भी खाएं, 1.5 से 2.5 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। योग में इस चीज पर हमेशा जोर दिया जाता है कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब भूख नहीं होता। जब ऊर्जा का स्तर नीचे गिरता है सिर्फ तभी आपको भूख लगती है, नहीं तो वैसे पेट खाली होना चाहिए। इस कोने में पत्थरों से बना एक मंडप है, एक पवेलियन, जहां हमने आपके लिए एक आदर्श ऑफिस सेट कर रखा है। कुर्सियों का लेवल नीचे है, टेबल का लेवल नीचे है। आप देखेंगे कि जब आप इस तरह बैठते हैं तब आपका दिमाग बेहतर काम करता है। सच में मैं किसी चीज पर बोल नहीं सकता या उसमें जा नहीं सकता जब तक पालथी ना लगाऊं। कम से कम एक पैर तो मुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो मुझे फर्क समझ आता है कि मेरा दिमाग कैसे काम करेगा। अगर आपको ये फर्क नहीं पता कि कब ये काम कर रहा है और कब नहीं, तो आप एक गंभीर समस्या है। बस पालथी लगाकर कुछ समय बैठकर देखिए, रीढ़ को सीधा रखें। अचानक जानने की आपकी क्षमता, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं आंखें बंद करके यहां बैठूं और कोई हॉल में अंदर आए तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह का व्यक्ति आया है। अरे सद्गुरु, आप तो एक महान योगी हैं, बात वो नहीं है। आपके घर के कुत्ते को भी यह पता होता है कि नहीं? हाँ या ना? आपका कुत्ता सोफे के नीचे बैठा हुआ है, अगर कोई मेन गेट पर आता है उसे पता है कि कौन आया है। हाँ या ना? जो कुत्ता जान लेता है आप नहीं जान सकते? No. नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्रमिक विकास की पूरी प्रक्रिया एक अमीबा से लेकर एक इंसान तक की असल में ज्यादा जटिल और उन्नत न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की है कि नहीं? हाँ या ना? एक इंसान के रूप में आपके पास सबसे उन्नत न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। अगर एक कुत्ता भांप लेता है तो आप भी भांप सकते हैं। बात बस इतनी है कि आप हर समय विचारों की उलझन में रहते हैं, क्योंकि ध्यान देने की क्षमता जा चुकी है ज्यादातर लोगों में, क्योंकि वो अपनी स्क्रीन पर तरह तरह की रंगीन चीजें और वो सब देखते रहते हैं, तो उन्होंने ये क्षमता खो दी है। तो एक चीज है ध्यान देने की इस क्षमता को वापस लाना। योग का हर आयाम आपके ध्यान के स्तर को इतना ऊंचा उठाने के लिए है कि यहां जो कुछ भी है आप उससे ना चुकें। सब कुछ आपके अनुभव में होना चाहिए, सिर्फ तभी आप खुद को एक संपूर्ण इंसान कह सकते हैं। ध्यान न दे पाने की कमी को किसी योग्यता की तरह लेकर मत चलिए। Anything yields to you only to the extent you pay attention to it. कोई भी चीज आपको उतनी ही परिणाम देती है जितना आप उस पर ध्यान देते हैं। इस संदर्भ में सांस एक बेहतरीन साधन है ध्यान देने के अभ्यास के लिए। ध्यान किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, बस यूं ही ध्यान देने की क्षमता। चाहे आप एक कलाकार हों, वैज्ञानिक हों, अध्यात्म की ओर मुड़े हों, बिजनेसमैन हों, या बस आप जीवन जी रहे हों, आपके परिवार की बात हो, आपका प्रेम, आपकी खुशी, ये सब आपको परिणाम केवल तभी देते हैं जब आप उन पर पर्याप्त ध्यान देते हैं।
Human attention can open just about any door in the universe. एक इंसान का ध्यान ब्रह्मांड में कोई भी द्वार खोल सकता है, पर बिना किसी उद्देश्य के ध्यान देना, नतीजों का हिसाब किताब किए बिना बस यूं ही ध्यानशील होना, जीवन शक्ति को ही ध्यान की प्रक्रिया बना लेना, आपका ध्यान सिर्फ आपके मन से हो सकता है या फिर आप अपने पूरे शरीर को ही ध्यान में लगा सकते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं, अगर आप एक टाइगर को या तेंदुए या चीते को शिकार के लिए घात लगाए देखें, तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ मानसिक स्तर से ध्यान नहीं दे रहा, उसका पूरा शरीर ध्यान दे रहा है, केंद्रित है, ऊर्जाएं केंद्रित हैं। तो अगर आप अपने शरीर, अपनी ऊर्जा को अपने मानसिक ध्यान में शामिल कर लें, तो अचानक से यह ध्यान एक जबरदस्त ताकत बन जाता है जो आपके जीवन में कई पहलुओं को आपके लिए खोल देगा। जीवन आपको सिर्फ उस हद तक परिणाम देता है जितनी शक्ति से आप में ध्यान देने की क्षमता है। इंसान के ध्यान की शक्ति एक अविश्वसनीय ताकत है। आपको यह सीखना चाहिए कि आवश्यक अभ्यास से इस ताकत को कैसे खोला जाए, अपने भले के लिए और सबके भले के लिए। आप सभी मेरे इस अद्भुत बर्तन पर ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज अभी इसे करिए। आपका ध्यान इस बर्तन से हटना नहीं चाहिए, बस बस ध्यान दीजिए, कितना सुंदर बर्तन है, प्लीज। तो अब मेरे बोलते बोलते देखिए, आप बर्तन के साथ नहीं रह पा रहे हैं। एक पल और फिर ओके, ऐसे नहीं, मान लीजिए आपको इस बर्तन से प्यार हो गया। अब अगर मैं इसे छुपाऊं तो आप इसे देखना चाहेंगे। बर्तन चाहे कहीं चला जाए, आपके मन में वो छाया ही रहेगा। अब आपका मन इस तरह है क्योंकि आप भावनाओं से इससे जुड़ गए हैं। आपको बर्तन से प्यार हो गया और अब आपका मन लगातार इसमें लगा रहता है, तो इसी को भक्ति कहते हैं। यह ध्यान देने का एक शक्तिशाली तरीका है, ध्यान देने का एक सहज और आनंद भरा तरीका। अगर आप किसी चीज पर फोकस करने की कोशिश करें तो आपको सरदर्द हो जाएगा, पर अगर आप किसी चीज से प्यार करने लगें तो आपका उस पर 100% फोकस तो रहेगा ही और आपको सरदर्द नहीं होगा, आप परमानंद में रहेंगे। ये मन को इस्तेमाल करने का ज्यादा समझदारी भरा तरीका है बजाय उसके जिसे लोग दिमागी बुद्धि के रूप में जानते हैं। A devotee has a completely different perspective of life. एक भक्त के जीवन की एक अलग ही समझ होती है। ये बुद्धिमत्ता का एक अलग आयाम है जहाँ वो उन चीजों तक पहुँच सकता है जिसकी दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते, सहजता से, खुशी से, क्योंकि वो भावनाओं से शामिल है, उसका ध्यान बिल्कुल पूर्ण है। और आप जिस पर भी ध्यान देते हैं, अगर आपका ध्यान पूर्ण है तो जीवन का वो आयाम निश्चित ही खुलेगा, वो परिणाम जरूर देगा, दूसरा रास्ता नहीं है।